आज मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे संतों के बारे में बताऊंगा जिनको शहादत प्राप्त हुई है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 3 जून को संपूर्ण कलीसिया संत चार्ल्स लवांगा और उनके साथियों का पर्व मनाती है। अफ्रीका महाद्वीप में मिशन कार्य सदियों से चला आ रहा था। सन 1878 की यह बात है जब उगांडा देश में क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार हुआ, तब अनेक लोगों ने क्रिस्त विश्वास को स्वीकार किया। जब लोग क्रिस्त विश्वासी बन गए तब वहां के राजा को यह बात पसंद नहीं आई, इसीलिए राजा ने क्रिस्तियों पर अत्याचार करना शुरू किया। सन 1886 में जोसेफ और मरुम्बा को शहादत मिली जो क्रिस्त में विश्वास करते थे, और वे दोनों राजा के दरबार में काम किया करते थे। जोसेफ की मृत्यु के बाद संत चार्ल्स ने क्रिस्तियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। संत चार्ल्स अपने जीवन में हमेशा पवित्र बने रहे। उन्हें और उनके 22 साथियों को क्रूरता से मारा और पीटा गया। उनके सारे साथी 13 और 30 वर्ष के युवक थे। 3 जून 1886 की बात है जब 13 लोगों को जिंदा जलाया गया और बाकी के लोगों को मौत के घाट उतारा गया। संत चार्ल्स और उनके साथियों ने हंसते मुस्कुराते इस शहादत को स्वीकार किया। उगांडा देश में क्रिस्तियों पर अनेक अत्याचार हुए और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 से भी ज्यादा लोगों को शहादत प्राप्त हुई। सन 1920 में अफ्रीका महाद्वीप के इन सभी साथियों को धन्य घोषित किया गया और 18 अक्टूबर 1964 में संत पापा पौलुस छठवें ने इन्हें संत घोषित किया। आज उस जगह पर एक महागिरजाघर बना है और एक तीर्थ स्थान बना है जहां पर उगांडा देश के अनेक लोग प्रार्थना करने आते हैं और संत चार्ल्स और उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम चार्ल्स और उनके साथियों की मध्यस्थता द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें।